तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट राजस्थान के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कुछ ज़रूरी चीज़ों की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। तो वसुंधरा राजे को दो बार की मुख्यमंत्री को भावी मुख्यमंत्री कह दिया गया है। भावी मुख्यमंत्री कहने वाले बीजेपी के दो उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो सांसद हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे उनके बहुत प्रबल समर्थक हैं। इससे पहले देवी सिंह भाटी जब बीजेपी में आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया जाता तो पार्टी के लिए अच्छा रहता। तो कुल मिलाकर एक सांसद और एक समर्थक खुलकर सामने आ गया है। और क्या वसुंधरा राजे भी ऐसा चाहती हैं या उनका ये कोई गेम प्लान का, उनकी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि दो तीन चीज़ें देखी जा रही हैं। पहले रिटायरमेंट वाली बात, फिर उस पर यू टर्न लेना, उसके बाद अपने अपने समर्थकों के यहाँ जाना, चाहे वो जयपुर के अंदर कालीचरण सर्राफ के कार्यालय का उद्घाटन हो या फिर जसवंत यादव जो उनके समर्थक हैं उनके यहाँ। तो चाहती क्या है वसुंधरा राजे इस माध्यम से, इसके जरिए वो क्या आला कमान को दबाव में लाने की सोच रही हैं, या उनको लगता है कि चर्चा होती रहनी चाहिए और वो मुख्यमंत्री पद की बकायदा रेस में हैं? रेस में नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देख रही हैं और ये वो जनता के बीच में पार्टी के नेताओं के माध्यम से भी पहुंचा देना चाहती हैं, सिर्फ अपने समर्थक कार्यकर्ताओं या अपने फैंस के जरिए नहीं। तो बाबा बालकनाथ, बाबा रामदेव के चेले, अलवर से लोकसभा के सांसद, तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर जसवंत यादव, बहरोड से चुनाव लड़ रहे हैं, वसुंधरा ने ही उनका टिकट पक्का कराया ऐसी बात कही जा रही है। आखिर इन दोनों को क्या जरूरत पड़ी वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री कहने की, बड़ा सवाल उठता है। इस संदर्भ में कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को चेहरा नहीं बता रहे, साफ कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, वो खुद भी चेहरा नहीं है, चेहरा है तो कमल का फूल चेहरा है और कमल का फूल ही शान है, कमल का फूल ही आन बान शान सब कुछ है, पहचान है, फिर क्यों ये एक सांसद और एक उम्मीदवार समर्थक भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं? आलाकमान ने ही उनको टिकट दिया है अंतिम रूप से, आलाकमान की नाराजगी क्यों मोल ले रहे हैं? स्वाभाविक है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इनको क्या इस बात का डर नहीं है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा नहीं बनी तो कोई दूसरा बना तो इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी? इसलिए क्योंकि डॉक्टर जसवंत यादव पहले वसुंधरा सरकार में मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। बाबा बालकनाथ में तो कुछ दिन पहले कुछ लोग मुख्यमंत्री ढूंढ रहे थे, अब 5 संतों को जो टिकट दिया है उसमें से एक बाबा बालकनाथ भी हैं। स्वाभाविक है कि अगर वो जीतते हैं चुनाव और बीजेपी की सरकार बनती है तो उनका मंत्री बनना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। ऐसे में वो आलाकमान की नाराजगी क्यों मोल ले रहे हैं, या उनको वाकई में लगता है कि संभावनाएं हैं और इस बात के दूरगामी, इस बात के अच्छे खासा उनको उनके मन में ये भाव भी है और उनको लग भी रहा है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को इसलिए बताया जा रहा है, या फिर सिर्फ वसुंधरा जी आई, वसुंधरा जी ने भाषण दिया, महिलाओं के प्रति में वो लोकप्रिय रही हैं, उनका आना, उनका भाषण देना, उनके समर्थन में आना, उनके समर्थन में भाषण देना, उनको जिताने की अपील करना, तो बदले में भावी मुख्यमंत्री कह दिया गया। क्या बात यहीं तक सीमित है, बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, वसुंधरा के जो भाषण हम देख रहे हैं उसमें वो हम का इस्तेमाल तो कर ही रही हैं, खुद का जिक्र, खुद की सरकार के कामकाज का जिक्र कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या मोदी सरकार की नीतियां उनके भाषण से गायब हैं, लेकिन खुद की सरकार का जिक्र, खुद के कामकाज का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई और ये जिक्र कर ही नहीं रहा, ना अमित शाह कर रहे हैं, ना मोदी कर रहे हैं,
ना मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल कांग्रेस के बीजेपी के वो नेता कर रहे हैं जो एक वक्त में वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ना दूसरे सांसद कर रहे हैं। हर कोई मोदी 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 गा रहा है और वसुंधरा को बस खुद का काल, खुद के शासनकाल याद दिलाना पड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने इस सभा में कह दिया कि साहब हमारे समय में हमने 27 लाख किसानों के 7,500 करोड़ का कर्जा माफ किया था। इससे पहले झालरापाटन में कह दिया कि हम सत्ता में आते ही जो परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं वो पेपर लीक नहीं हो इसकी पुख्ता व्यवस्था कराएंगे, और बड़ा दम ठोक कर कहा, इस रूप में कहा जैसे वो खुद भावी मुख्यमंत्री के रूप में भाषण दे रही हो। पूरा भाषण उनका आप सुन लीजिए, भावी मुख्यमंत्री के रूप में है। मुझे नहीं मालूम उनको लाल रंग पसंद है या लाल रंग के जरिए कोई मैसेज देना चाह रही है। वैसे तो एक लाल डेयरी का जिक्र राजस्थान में होता रहा है, अब अचानक जिक्र होना बंद हो गया है जब से लाल डेयरी वाले शख्स शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं और उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा, और बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है तो बीजेपी ने लाल डेयरी से भी किनारा कर लिया, लेकिन वसुंधरा जी लाल साड़ी में अक्सर नजर आ रही हैं। तो ये किसके लिए खतरे की निशानी है? वो कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत के लिए खतरे की निशानी है, या मोदी जी के लिए भी? एक कोई बताया जा रहा है कि मैं हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, और मैं विधानसभा का चुनाव विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रही हूँ। विधानसभा का चुनाव विधायक बनकर विधानसभा में अपनी एक कोने की किसी एक सीट पर बैठने के लिए नहीं लड़ रही हूँ। स्वाभाविक है कि कोई और मुख्यमंत्री बना तो उसके अंडर में ना तो वो मंत्री बनने वाली है ना विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली है, साफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आलाकमान को भी लगने लगा है कि अगर भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया जाए वसुंधरा राजे को तो चुनाव आसानी से निकाला जा सकता है। हालांकि सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन सर्वे एग्जैक्ट नहीं होते, सर्वे बहुत से गलत भी साबित होते हैं, फिर बागियों से भी बड़ी संख्या में बीजेपी को जूझना पड़ रहा है। और इन सब का सामना, या अभी भी अगर वसुंधरा जी को थोड़ी सी कमान सौंप दी जाए तो आने वाले जो 72 घंटे बचे हैं उसमें जो नामांकन वापसी का समय है इसके अंदर वसुंधरा जी चाहें तो बहुत सारे समर्थ बागियों को आश्वासन देकर बैठा सकती है। एक बात यह है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की 25 सीटों की 25 की 25 सीटें चाहते हैं राजस्थान से लगातार तीसरी बार। वो 2-4-5 सीटें भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में हालत खराब है, झारखंड में स्थिति ठीक नहीं है, पश्चिम बंगाल में स्थितियाँ ठीक नहीं हैं 2019 के चुनाव के मुकाबले, कर्नाटक में स्थितियां ठीक नहीं है, वहां तो जेडीएस के साथ समझौते की नौबत आ रही है, बिहार में स्थितियां ठीक नहीं है, हरियाणा में बीजेपी की हालत काफ़ी खस्ता है। तो ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां तो वो चाहते हैं कि 100% दिल्ली 100% रिजल्ट आया था पिछली बार करीब करीब, तो इस बार भी वही रिजल्ट आना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार को कम से कम दोहराना ज़रूरी है। तो ऐसे में जब वो राजस्थान में 2-3-4 सीटें भी लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या उनको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए का अगर बीजेपी सत्ता में आती है जो लोकसभा चुनाव तक इस जीत के टेम्पो को ले जाए और 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके? तो क्या ये काम वसुंधरा कर सकती हैं, या वसुंधरा के अलावा कोई और है आपके दिमाग में तो आप बताइएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को लगा कि लोकसभा चुनाव में 25 सीटें दिलाने में वसुंधरा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है तो वो मुख्यमंत्री बनाने में भी कोई हिचक नहीं करेंगे, तो क्या इसके लिए पहले से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? एक सवाल ये उठता है। या फिर जो लोग भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो समर्थक हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, या वसुंधरा का कोई इशारा है? क्योंकि जितना मुझे पता लगा है भावी मुख्यमंत्री कह दिया गया तो वसुंधरा ने उसमें टोका टाकी या टीका टिप्पणी नहीं की, ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं भाई कमल का फूल है, सब कुछ कमल का फूल है, ऐसा भी नहीं कहा गया।
जैसा कि मुझे पता लगा है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो या आधी अधूरी हो, मुझे नहीं पता। तो कुल मिलाकर चर्चा में है वसुंधरा, और राजनीति में चर्चा में रहना आपको दूसरों से थोड़ा आगे कर देता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।